अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खिचड़ा बनाने की रेसिपी, और ये मुहर्रम स्पेशल रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं खिचड़ा की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम खिचड़े के गेहूँ, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा हुआ था। आप इसकी जगह पर दलिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ दालें, और तो यहाँ पर मैंने ली है 1/4 कप उड़द की दाल, 1/4 कप ही मैंने ली है मसूर की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप तुअर की दाल, और 1/2 कप लेंगे हम चने की दाल। चने की दाल हमें ज़्यादा लेना है तो 1/2 कप मैंने ली है चने की दाल, और बाकी सब चीज़ें ली है 1/4 कप। चावल भी लिया है 1/4 कप। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे भी भिगो कर रख देंगे। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में हम ऐड कर देंगे धुले हुए गेहूँ। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे धुली हुई दाल और चावल। पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे 2 ग्लास जितना पानी मैंने ऐड किया है। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, मिक्स करेंगे। और ये अच्छी तरह से भीगना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर मैं 1 ग्लास और पानी ऐड करूँगी, तो टोटल मैंने 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम कुकर की लिड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें एक प्रेशर लेंगे। एक प्रेशर लेने के बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसमें 3 से 4 प्रेशर ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। 3 से 4 प्रेशर लो फ्लेम पर लेने के बाद मैंने इसे हल्का सा घोट लिया है। ये देखिए पूरा पानी जो है वो सूख गया है। तो अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी को गर्म कर लिया है। हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी हम नहीं ऐड करेंगे, वरना ये अच्छी तरह से गलेगा नहीं। तो ये गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप गेहूं की जगह पर दलिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम फिर से कुकर की लिड बंद करेंगे। ये देखिए अभी गला नहीं है गेहूँ अच्छी तरह से। हम फिर से कुकर की लिड बंद करेंगे और लो फ्लेम पर हम फिर से प्रेशर ले लेंगे 3 से 4। तो 3 से 4 प्रेशर मैंने ले लिए है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखिए हमें इसे अब घोट लेना है अच्छे से। जितना अच्छा ये घुटेगा उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो हम 10 मिनट तक इसी तरह से घोट लेंगे, या आप चाहे तो एक पतीले में भी ट्रांसफ़र करके इसे घोट सकते हैं। जब तक हम इसे घोटेंगे तब तक हम गोश्त को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरा मैंने कुकर ले लिया है, और कुकर में प्याज ली थी मैंने 4 मीडियम साइज़ की, उसे मैंने फ्राई कर लिया है गोल्डन कलर होने तक। और 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था उसमें तेल। ये प्याज को हम निकाल लेंगे, आधी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, क्योंकि जो तली हुई प्याज है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट रहे खिचड़े में जब हम ऊपर से सर्व करते हैं। और ये आधी प्याज मैंने इसी में रहने दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। तो 2 तेज़पत्ता ऐड किया है मैंने, 2 सूखी लाल मिर्च ली है 10 से 12, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 लौंग, और 3 लिया है स्टारफुल, वो सभी गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1.5 किलो गोश्त। तो ये मैंने मटन लिया है 1.5 किलो, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे।
और 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और नमक लेंगे गोश्त के हिसाब से। तो सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें लेंगे 1 प्रेशर, और 1 प्रेशर हाई फ्लेम पर लेने के बाद लो फ्लेम पर हम इसमें ले लेंगे 3 से 4 प्रेशर। तो ये मटन के ही पानी में अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल जाएगा, हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। तो ये मैंने 3 से 4 प्रेशर ले लिया है लो फ्लेम पर और 1 प्रेशर लिया था हाई फ्लेम पर, मतलब टोटल मैंने 5 प्रेशर ले लिया था। पूरा प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया था और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। ये मैंने बकरे का मटन लिया है, अगर आप बड़े का इस्तेमाल करेंगे तो उस हिसाब से आप इसमें गलाने के लिए प्रेशर ले लीजिएगा। तो अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हाई फ्लेम पर ड्राई करेंगे, तो उसमें हम साथ में ऐड कर देंगे 5 से 6 हरी मिर्च जिसे मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, साथ में ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी इसमें है उसे हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। तो हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। ये देखिए पानी जो है वो ड्राई हो गया है, तेल रिलीज़ होने लगा है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। और ये देखिए जो मैंने दाल, जो हमने चावल दाल और गेहूं पकाए थे उसे मैंने एक पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से घोटेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। जितना अच्छा खिचड़ा घुटेगा उतना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। तो हम इसे अच्छे तरह से घोट लेंगे। तो ये 15 से 20 मिनट तक मैंने घोट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 4 ग्लास जितना पानी ऐड किया है, ये गर्म पानी ही मैंने ऐड किया है, ठंडा पानी हम नहीं ऐड करेंगे। हल्का सा आप पानी को गर्म कर ले और वो गर्म पानी इसमें ऐड करें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए घोट लेंगे। तो 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से हमने घोट लेना है और ये अच्छे से मैंने 10 से 15 मिनट तक घोट लिया है। और ये देखिए अच्छी तरह से गेहूं जो है वो गल गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मटन को उबाल लिया था वो। मिक्स कर लेंगे। अगर आप गेहूं की जगह पर दलिये का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा घुटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम मैंने ऑन की है और लो रखा है, गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे, मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो हमने गोश्त में भी नमक का इस्तेमाल किया है तो उस हिसाब से चक्कर हम इसमें नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और चम्मच चलाते हुए हम इसे घोटते रहेंगे या दाल घुटनी से। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम गोश्त ऐड करने के बाद भी इसे पकाएंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली है 2 टुकड़ों में कटी हुई, मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसे अब हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और घुटते जाएंगे। तो ये 15 से 20 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है और ये हमारा अब खिचड़ा बन करके तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगा। और ये मैंने सर्व कर लिया है, गोश्त अच्छी तरह से गल गया है और गार्निश कर लेंगे हम इसे सुनहरी की हुई प्याज के साथ। ये प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खिचड़े में।
साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ पुदीना। और आप इसे सर्व करें नींबू के साथ। और ये मुहर्रम में आप ये खिचड़ा ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये खिचड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।